अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीयूसी में कार्ड प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास लाइसेंस है, जन आधार है या आधार है या कोई भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो आप उसको पीयूसी में किस तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों आपको ये सीखने के लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों जैसा कि मैं आपको सिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीयूसी कार्ड के लिए आपको साइज क्या चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पे साइज चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे फोटोशॉप को ओपन करोगे और जैसे फोटोशॉप को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे साइज डालनी है। विड्थ तो आपको 8.5 सेंटीमीटर डालनी है और हाइट डालनी है 5.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर तो विड्थ आनी चाहिए, हाइट 5.5 सेंटीमीटर। रेजुलेशन की बात करें तो 300 इसमें पिक्सल रेजुलेशन आएगा। उसके बाद में आपको सिंपली तौर पे क्या करना है, इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना है अपने कार्ड को, जैसा कि आप अपने कार्ड को क्रॉप कर लेना है। जैसे इस तरीके से आप अपने कार्ड को क्रॉप कर लोगे उसके बाद में ये आपकी आइडेंटिटी कार्ड की साइज में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो मैंने इमेज थी इसको बड़ी कर रखी थी इसलिए ऐसी आ रही है। आपको इसको सिंपली तौर से क्रॉप करके इस तरीके से ले लेना है और बाद में इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करना है इसको, और आपको इमेज पे आके रोटेट कैनवास नंबर डिग्री CW पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर देना है। जैसे आप कंट्रोल सी करोगे स्केल टू प्रिंट मीडिया पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे कैनन G2010 सीरीज, जैसा कि मेरे पास ये प्रिंटर अवेलेबल है तो मैं इससे प्रिंट करता हूँ। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्या आपके प्रिंटर में क्या सेटिंग रखनी है। तो आपको जैसे आप स्टैंडर्ड पे रखोगे तो आपकी कार्ड में लाइनिंग आ जाती है, तो आपको फोटो प्रिंटिंग रखना है, ये खासतौर पर आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे क्वालिटी में या तो आप हाई रख सकते हो, एक जनरेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको प्रिंट पेपर साइज में आपको कार्ड साइज ले लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक तो जरूर कर ही दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।